नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। सदर अस्पताल रांची में थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया एवं हीमोफीलिया डे केयर सेंटर बनकर हुआ तैयार। आपको बता दें कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड आज किए उद्घाटन। आमजनों के लिए आज से खुल जाएगा रांची के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया एवं हीमोफीलिया डे केयर सेंटर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के कर कमलों के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट मत है कि हम अपने डॉक्टरों के साथ, अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत ही समन्वय और परस्पर रिश्ता बनाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जब हम अपने चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और जब हमारा डॉक्टर मुस्कुराएगा, हमारे नर्सिंग स्टाफ मुस्कुराएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि उनके मुस्कुराहट से ही हमारे मरीजों के भी चेहरे मुस्कुराने लगेंगे और उसी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। क्योंकि प्रायः प्रायः डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ बात होती है, डॉक्टर कहते हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए। हम उनसे कहते हैं एक पैर पे खड़ी हुई है, यदि एक पैर पे नहीं खड़ी होती तो एक हमारी डॉक्टर बहन गिरिडीह से आ। आपको मैं बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक से एसआर मद के तहत रांची के सदर अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया एवं हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का रेनोवेशन किया गया, जिससे थैलेसीमिया, अनीमिया या हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित बच्चों को डे केयर सुविधा के तहत ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दवाइयां इत्यादि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। साथ ही किसी जरूरतमंद मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति में परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिविल सर्जन के रांची के डॉक्टर विपिन प्रसाद ने उद्घाटन से पूर्व बताया कि रांची सदर अस्पताल में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एवं हीमोफीलिया मरीजों की संख्या देखते हुए लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी, जिसका उद्घाटन आज माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। सही में है तो वो यहाँ के सिविल सर्जन हैं, जिनके असीम प्रयास से ये परिवर्तन हो पाया है। इसके अलावा यहाँ की जितने स्टाफ है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग झारखंड का पहला ममता घर जो शुरू कर पाए हैं वो डीएमएफटी की टीम के द्वारा किया जा सकता है, और उसमें श्रेयसी के द्वारा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देखती है उनमें बहुत एक अच्छा काम किया गया है। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि सर, हमारे जो सीएचसीज हैं वो सारे ही एचपीसीएल के द्वारा अपग्रेडेशन के लिए लिए गए हैं, जो एक पहला जो बेड़ों में शुरू हुआ है सभी सीएचसी को लिया जाएगा। 20 करोड़ से ऊपर की सीएसआर की राशि एचपीसीएल के द्वारा कमिट की गई है, और सभी सीएचसीज जो हैं राज्य स्तर से उठ करके कम से कम भारत के सभी आगे के जितने भी स्टेट्स हैं उन बराबर हो पाएंगे। फाइनली मैं मीडिया के हमारे दोस्त उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नाम